हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो मेरे को मजबूरी बनानी पड़ रही है क्योंकि दरअसल क्या हो रहा है कि मेरे नाम से ना एक स्कैम किया जा रहा है यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे। मेरी यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट करता है कोई, टेलीग्राम पे मेरे नाम से फेक अकाउंट बना रखा है, टेलीग्राम एट पैसेंजर परमवीर, और कई अकाउंट्स मैं ब्लॉक भी कर चुका, वो नए अकाउंट बना लेते हैं, फिर दोबारा मतलब आप लोगों के कमेंट होते हैं उस कमेंट का रिप्लाई करता है कि मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो, मैं परमवीर हूँ और आप एक आईफोन जीत गए। और कई लोगों के मेरे पास मैसेज भी है, उन्होंने उन्हें टेलीग्राम पे मैसेज किया और फिर वो आदमी बोलता है या जो भी है वो कि आप मुझे 2,000 रुपये भेजो या 3,000 रुपये भेजो शिपमेंट के, मैं आपका फ़ोन भिजवा रहा हूँ, या कोई भी चीज़ हो सकती है। वो बोलता है आईफोन जीत गया या कुछ और जीत गए, फिर उसके बाद वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं लोग और फ़ोन या कुछ आता नहीं। तो ये एक स्कैम है, आप लोग थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाओ कि मैं अपने ऑफिशियल अकाउंट से आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहा, तो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और मेरा कोई टेलीग्राम अकाउंट नहीं है, अगर कभी कुछ ऐसा मैं गिव अवे कर भी रहा होता हूँ, अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे कमेंट्स में से ऐसे रैंडमली किसी भी वीडियो के रैंडमली कमेंट में रिप्लाई करके ऐसे करूँगा, तो ऐसा तो कभी होने नहीं वाला। अगर मैं कभी करता भी हूँ कोई गिव अवे तो वो ऑब्वियसली मेरी ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट से होगा या फिर मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर _बेनीवाल से करूँगा। आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए कि कोई अकाउंट है, कोई रैंडम अकाउंट आके ऐसे आपको लिख रहा है कि मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करो और उधर वो बोलता है कि मैं परमवीर हूँ, और आप बिना कुछ जानने पहचाने कम से कम वीडियो कॉल ही कर दो उसे पैसे भेजने से पहले। तो ऐसा मत करो, ये एक स्कैम है। नए नए अकाउंट बनाए जा रहे हैं, मैं कम से कम 8-10 अकाउंट उनके ब्लॉक कर चुका, फिर नया अकाउंट बन जाता है अलग स्पेलिंग के साथ, पैसेंजर परमवीर टेलीग्राम, और कई लोग इस जाल में फंस चुके हैं। तो प्लीज़ ऐसे भी किसी स्कैम का पार्ट ना बने, किसी को पैसे ऐसे बेफालतू में ना भेजे, और ये एक स्कैम है। और जैसे भी कोई अकाउंट हो उसका रिप्लाई ना करो, आपके पास कमेंट बैक हो करता है तो उसको रिप्लाई मत करो, रिपोर्ट कर दो कमेंट का, तो बाकी पैसे तो बिल्कुल मत भेजना, बस यही बता रहा था।